वर्ल्ड कप के 22वें मैच में आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान मदे मुकाबिल। मैच आधे घंटे बाद चेन्नई स्टेडियम में शुरू होगा। सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें रोशन रखने के लिए ग्रीन शर्ट्स को कामयाबी दरकार। अहम मुकाबले से कबल कौमी क्रिकेटर्स की भरपूर मशकें। चिदंबरम स्टेडियम की टर्निंग पिच पर स्पिनर्स का किरदार अहम होगा। कप्तान बाबर आजम गुज़िश्ता नाकामियों को भुलाकर जीत के जज्बे के साथ मैदान में उतरने के लिए पुरअज़्म। फखर जमान आज का मैच भी नहीं खेल सकेंगे। बाहमी मुकाबलों में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। अब तक होने वाले तमाम 7 मैचेस पाकिस्तान ने जीते। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ समाप्त। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल का आगाज कर दिया। मौकिफ अख्तियार किया कि फौजी अदालतों में ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट्स के तमाम तकाजे पूरे करते हैं। अब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का बाकायदा आगाज हो चुका। फौजी अदालतों के फैसले में वजूहात भी लिखी जाएंगी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि 9 मई के मुलजिमों का मिलिट्री अदालतों में ट्रायल सिविल अदालतों की तर्ज पर ही किया जाएगा। शहादतें रिकॉर्ड की जाएंगी और फैसले में तफसीली वजूहात भी लिखी जाएंगी। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि 2015 वाले मुलजिमों का स्टेटस क्या था, क्या वो मुलजिमान हमारे शहरी थे या कलदम तंजीमों के अरकान थे। अटॉर्नी जनरल ने मौके पर इख्तियार किया कि उन मुलजिमों में शहरी भी थे और कलदम तंजीमों के अरकान भी थे। साइपर गुमशुदगी केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद पर पर्दे जुर्माइद। अदालत ने केस के गवाहों को 27 अक्टूबर को तलब कर लिया। दोनों मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, यह झूठा मनघड़त और सियासी इंतकाम का केस है, बेगुनाही साबित करूंगा। अदालत ने पर्दे जुर्म रोकने के लिए चेयरमैन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए कि आज की तारीख पर्दे जुर्म के लिए है, पर्दे जुर्माइद की जाती है। उधर जज के जेल में एक्साइज के लिए साइकिल फराहम करने के हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ। जेल इंतजामिया ने चेयरमैन के लिए लाई गई साइकिल रोक दी। कहा कि साइकिल फराहमी के हवाले से कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। हुकूमत का गैस की कीमतें 100% से ज्यादा बढ़ाने का फैसला। कीमत में इजाफे की समरी आज ECC इजलास में पेश की जाएगी। 1 MMBTU इस्तेमाल करने वाले सार्फीन के लिए गैस कीमत 2000 से बढ़कर 3500 करने की तजवीज़। 1 MMBTU इस गैस से जायद इस्तेमाल करने पर कीमत 3100 से बढ़कर 4000 हो जाएगी। महाना 0.6 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फीन का बिल 300 से बढ़कर 600 रुपये हो जाएगा। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों के केस का फैसला महफूज। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से तहरीरी जवाब तलब कर दिया। नैप को सबूत ना होने पर केस मजीद ना चलाने के नुक्ते पर जवाब जमा कराने का हुक्म। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि नैप प्रोसिक्यूटर जनरल इस नुक्ते पर तहरीरी तौर पर दें। इसहाक डार समेत दीगर मुलजमान की बरियत पर एतराज नहीं तो तहरीरी तौर पर दें। कल को नैप कहेगा, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। 1 बजे फैसला सुनाएंगे।